नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवांक मिश्रा आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री की एमपीपीएससी के लिए क्लासेस। आज हमारी ये पहली क्लास होगी। इसका फायदा यूपीएससी, एसएससी और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले और भी एस्पिरेंट्स ले सकते हैं। तो हम अपनी पहली क्लास की शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं एमपीपीएससी में केमिस्ट्री कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, केमिस्ट्री हमें कहाँ पढ़ना होता है। एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का फैक्टर रहता है, तो प्रीलिम्स में हमें यूनिट 7th में केमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है और मेंस के लिए हमें 3rd पेपर में 2nd यूनिट के लिए केमिस्ट्री तैयार करना होता है। अब इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में हमारे जो पहली यूनिट रहेगी, तो पहली यूनिट में हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात करेंगे। दूसरी यूनिट में मटेरियल्स पढ़े जाएंगे, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, सेमी मेटल, पीरियोडिसिटी, ये सभी आता है। जब तीसरी यूनिट की बात करते हैं, तो उसमें एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, वैलेंस बॉन्डिंग, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये सभी पढ़ा जाएगा। चौथी यूनिट में एसिड, बेस, सॉल्ट, पीएच वैल्यू इंडिकेटर यानी पीएच वैल्यू के बारे में ये सभी डिस्कस करेंगे। पांचवी यूनिट फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में रहेगी, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। और आखिरी यूनिट जो हमारी केमिस्ट्री डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं उसके बारे में रहेगी, उस पर डिस्कशन होगा। तो हम पहली यूनिट यानी कि आज की पहली क्लास जो होगी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की हम यहाँ पर क्लास में बात करेंगे। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री हमारी आखिर है क्या। तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर आदि का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या ब्लैक कलर। यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के जो परिवर्तन होते हैं उनके अंदर और उनको निर्धारित करने वाले नियम होते हैं, इन सभी की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आधुनिक रसायन विज्ञान जो है, तो उसके जनक या फिर जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेवोइजर को कहा जाता है। लेवोइजर को लेवा जीए भी हिंदी में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के पार्ट्स कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री हमारी तीन पार्ट्स में पढ़ने को मिलती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी मास्टर्स में पढ़ा जाता है, लेकिन ये हमारे सेगमेंट में अभी नहीं आएगा। हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये फिजिकल केमिस्ट्री के सेगमेंट में आता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आज अपनी पहली क्लास को पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं, तो वो रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें कि भौतिक अवधारणाओं को रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं के आधार पर व्याख्या करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जब ब्रह्मांड को यानी कि यूनिवर्स को लेते हैं, तो यूनिवर्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला हो गया पदार्थ यानी द्रव्य या फिर मैटर अपना है, ठीक है, और दूसरा हमारा है ऊर्जा या फिर एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद ऊर्जा या एनर्जी जो पढ़ी जाती है वो फिजिक्स में पढ़ी जाती है, और पदार्थ, द्रव्य या मैटर जो कहा जाता है उसे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो हम पदार्थ या द्रव्य को जब बांटेंगे तो फिजिकल आधार पर यानी कि फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे इसको विभक्त करेंगे। जब हम केमिकल बेसिस पे पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं, तो उसमें हमको ठोस मिलता है, द्रव होता है और गैस प्राप्त होती है। यानी कि ठोस, द्रव, गैस में फिजिकल बेसिस पे वर्गीकरण किया जाता है। हालांकि वर्तमान में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की भी खोज यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसन की भी खोज की जा चुकी है। प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है? ये तारों में पाई जाती है, और इसमें आयनीकृत गैस के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तारों में जैसे सूर्य में जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा जहाँ पर कण बहुत गतिशील होते हैं वहां पर प्लाज्मा पाई जाती है। और जो हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसन होती है 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा पांचवी अवस्था के तौर पर इसकी गणना की गई थी। रासायनिक आधार पर वर्गीकरण आप देख ही रहे हैं, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस और मिश्रण, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं
कि शुद्ध पदार्थों को तत्व, यौगिक इन दो भागों में बांटा गया है, तत्व यानी एलिमेंट्स, यौगिक यानी कंपाउंड्स, और मिक्सचर को हम समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर एंड विषमांगी अर्थात हेटरोजीनियस मिक्सचर के तौर पर बांटते हैं। ठीक, इसके बाद आगे जब और वर्गीकरण को बढ़ाया जाएगा तो शुद्ध पदार्थों को, ये जो हमारे शुद्ध पदार्थ हैं तत्व और यौगिक में जो बटे हुए हैं, तो इसके तत्व यानी एलिमेंट्स तीन पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किए जाएंगे, और वहीं पर यौगिक को कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ये था हमारा वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पर जो पदार्थ होता है, पदार्थ वो वस्तु होती है जिसमें कुछ भार हो जो स्थान घेरे, तो उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका सारा वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पदार्थ ऐसी चीज जिसमें भार होता है, वजन होता है, जड़त्व तो अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि ताकत लगा करके इसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार खड़ी है, उसको धक्का दे करके बढ़ाया जाए, या फिर कि उसको चल रही कार को ताकत लगा करके या ब्रेक लगा करके रोका जाए, ये सभी पदार्थ में आते हैं। ठीक है, ग्लास हो गई, ठीक है, बुक्स हो गई, और बाकी की चीजें, जिस तरह की जो भी सब्सटेंस आप चारों तरफ देखते हैं वो सभी पदार्थ में गिना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अंतराणविक बल और तापीय ऊर्जा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी, ये दो चीजें पदार्थ में काम करती हैं, यानी कि उसमें अंतराणविक बल पाया जाता है और तापीय ऊर्जा होती है। इसके बाद भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठोस, द्रव और गैस के आधार पर होता है। तीन पदार्थ अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। चौथी प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन का मैंने जितना बताया है उतना ही सफिशियंट होगा। ठोस पे देखते हैं, तो ठोस के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अपने टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, ग्लास हो गई, जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें अंतराणविक बल बहुत ही ज्यादा होता है, तापीय ऊर्जा यही काम करती है। ठीक है, तो अंतराणविक बल होने के ज्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और इनका शेप जो होता है तो कंफर्म्ड शेप होता है, यानी कि शेप आकार निश्चित होता है और वॉल्यूम भी इनका निश्चित होता है। वहीं पर लिक्विड की जब बात करते हैं तो लिक्विड में जैसे पानी है, मर्क्यूरी है, मिल्क है, तो इनका शेप तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी को आपने थाली में डाल दिया या फिर आपने मटके में डाल दिया तो उस आकार को ले लेता है, ग्लास में डाला ग्लास में ले लिया, लेकिन 1 लीटर पानी आप क्वांटिटी तय कर सकते हैं, वॉल्यूम उसका तय किया जा सकता है। तो वॉल्यूम 1 लीटर, और उसे किसी भी शेप में आप डाल करके अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो सॉलिड वो था जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों कंफर्म्ड होते हैं, लिक्विड वो होता है जिसमें कि शेप डिसाइडेड नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता, बट वॉल्यूम उसका निश्चित होता है। वहीं गैसियस में जब जाते हैं तो वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि निश्चित नहीं होते हैं, जैसे हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी गैस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो आगे जब देखेंगे तो ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ठोस के वर्गीकरण में क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन ठोस हम जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें कि अणु, आयन, परमाणु, ये सब जो होते हैं 3D में, इनकी एक कंफर्म्ड ज्यामिति, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, यानी कि जैसे आपने ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, फोन, इन सभी का एक कंफर्म्ड शेप होता है, तो ये सभी क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। वहीं अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, जिनका कि शेप डिसाइडेड नहीं होता, प्लास्टिक से आप कुछ भी बना सकते हैं, रबर से आप कुछ भी बना सकते हैं, ग्लास हुआ, ग्लास से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मिरर में यूज कर सकते हैं, कार में यूज कर सकते हैं, तो ये अमॉर्फस कहलाते हैं, इनका शेप डिसाइडेड नहीं होता, कहाँ, 3D में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि द्रव के यानी लिक्विड्स के एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, ब्लड, मर्क्यूरी, मिल्क, ये सभी हो गए। ठीक है, और इसके बाद गैस में, तो गैस के एग्जाम्पल सभी तरह की गैस हैं, एयर, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसियस स्टेट में होती हैं, इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिसाइडेड या क्लियर नहीं होता है। गैस जो होती हैं तो गैसों में अपना उनको ठंडा करके द्रव में और डायरेक्ट ठोस में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, गैस में तरह तरह की अवस्थाओं और तरह तरह की क्रियाओं के कारण हम गैस के कुछ नियम भी
यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं जिनका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में आता है। तो यहाँ पर गैस के जो नियम है, प्रमुख गैसीय नियम जो है, उनको हम यहाँ पर 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला अपना बॉयल्स लॉ होता है, जो कि बॉयल का नियम। दूसरा चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और संयुक्त गैस नियम, जिसे आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं, डॉल्टन का नियम और ग्राहम का नियम, ये 7 पार्ट हैं अपने। बॉयल्स लॉ क्या है? तो बॉयल्स लॉ का पहले हम देखते हैं कि ये किस पे संबंध बताते हैं, बेसिक ये कहां से आए हैं या किस लिए इनको लाया गया। तो बॉयल्स लॉ लाया गया मुख्यतया अपना प्रेशर यानी कि पी और वी, पीवी रिलेशन जो लिखा है, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन को बताने के लिए। चार्ल्स लॉ आया अपना टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन को कंफर्म करने के लिए। गे लुसाक्स लॉ आया प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। वहीं एवोगैड्रो लॉ जो है वो वॉल्यूम क्वांटिटी रिलेशन कहलाता है, अर्थात आयतन मात्रा संबंध, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड गैस लॉ, जो कि आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ का कॉम्बिनेशन पूरा कंबाइंड गैस लॉ के तौर पे आदर्श गैस समीकरण के नाम से आता है। डाल्टन्स लॉ जो है हमारा पार्शियल दाब का नियम, पार्शियल प्रेशर लॉ, और ग्राहम्स लॉ लास्ट में लॉ ऑफ डिफ्यूजन, विसरण का नियम है। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ पीवी रिलेशन है, यानी कि अगर किसी भी पदार्थ के दाब और वॉल्यूम को देखते हैं, यानी कि छूट क्या गया हमारा, ताप, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर गैस के ताप को स्थिर कर दिया जाए, तीसरा स्थिर कर दिया जाए, तो दाब और ताप जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसपे हम जब देखेंगे कि ये कैसे होता है, तो हम यहां पर देखते हैं कि P1V1 is equal to P2V2, ठीक है। यहां पर P1V1 is equal to P2V2 जैसे दिया हुआ है, तो अगर एक बार को हम ये देखें, P inversely proportional to 1 upon V, ठीक है। दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब हम P is equal to लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, K into 1 upon V, ठीक है। तो यहां पर PV is equal to K आ जाएगा। अब यहां पर जब हम P1V1 को लेंगे तो P1V1 is equal to क्या हो जाएगा, P2V2, ठीक है। और P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 भी हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 upon P2 is equal to V2 upon V1, ठीक है। ये हमारा बॉयल्स लॉ होता है। इसके बाद चार्ल्स का नियम आप देखिए, चार्ल्स के नियम में भी यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, यानी कि तीसरा हमारा कांस्टेंट कौन रहेगा, प्रेशर जो है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर को जब कांस्टेंट कर देते हैं तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, चार्ल्स के नियम के अनुसार अगर दाब को स्थिर कर दिया जाए तो गैस का जो आयतन है उसके ताप यानी परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट्स वी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। यहां पर V upon T is equal to K हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब V upon T है, ठीक है, यहां पर हम V1 upon T1 लिखेंगे तो V2 upon T2 हो जाएगा, ठीक है। V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, ये इक्वेशन होती है चार्ल्स लॉ की, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा गे लुसाक्स लॉ, प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन बताता है, यानी कि यहां पर हमारा क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, हमारा वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर को यहां पर गे लुसाक्स लॉ में बताया गया है कि यदि ताप और दाब को, ठीक है, आयतन को कांस्टेंट रखा जाए तो ताप और दाब जो होते हैं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, ताप और दाब, तो पी इज इक्वल टू अपना हो जाएगा के टी, That's P upon T is equal to K. अब यहाँ पर देखिए P1 रख दीजिए, T1, P1, P2 ले लीजिए, T1, T2 दो ले लीजिए, शुरुआती और अंतिम ताप या दाब, ठीक है। तो यहाँ पर P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर गे लुसाक्स का इक्वेशन होता है ताप और
दाब को लेकर के। इसके बाद एवोगेड्रो का हाइपोथीसिस यानी कि एवोगेड्रो का आयतन मात्रा संबंधी नियम जो है ये कहता है अगर यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रेशर को और टेम्परेचर को दोनों को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और यहां पर जब पदार्थ की मात्रा को हम एन से डिनोट करेंगे क्या होगा, N1 दो पदार्थ अगर लेते हैं तो ये पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा के आधार पर जब हम कहते हैं तो पदार्थ की जो मात्रा होती है एवोगेड्रो के नियम के अनुसार पदार्थ की मात्रा आयतन के सीधे समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा N जो होती है वो वॉल्यूम के सीधे समानुपाती होती है, ठीक है। ये तो V इक्वल टू यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हम लिखेंगे K इंटू N, ठीक है, यानी V अपॉन N इक्वल टू K हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो ले लीजिए वॉल्यूम, दो पदार्थ अगर आप लेते हैं तो दो कणों के वॉल्यूम V1 V2 और मात्रा जो है N1 N2 हो जाएगी, ठीक है। तो V1 V2 और N1 N2 जब हो जाएगी तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, ये हमारा इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लॉ के अनुसार। अब आता है अपना कंबाइंड गैस लॉ यानी कि आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार यहां पर क्या कहा जाता है, इन सभी अपना बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है, चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक, इसके बाद अपना गेलुसाक्स लॉ हो गया, इसके बाद एवोगेड्रो लॉ हो गया, फिर अगला इन सभी को मिलाने के बाद कंबाइंड गैस लॉ हमको प्राप्त होता है। यानी कि कंबाइंड गैस लॉ क्या कहता है कि दाब, ठीक है, प्रेशर, आयतन और परम ताप को संबंध को दिखाने के लिए इन सभी नियम को जोड़ते हैं। तो यहां पर हमें प्राप्त होता है कि जैसे अपना पहला नियम क्या कह रहा था, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, यानी कि P इक्वल टू K अपॉन V, ठीक है, P इक्वल टू K अपॉन V, ये हमको मिल गया। इसके बाद दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा था, तो दूसरे नियम पे था यानी कि चार्ल्स के लॉ पे V इक्वल टू यानी V प्रोपोर्शनल टू T, V इक्वल टू KT, ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम था, ये हमारा पहला नियम था। और तीसरा नियम हमारा क्या था कि P प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू T यानी कि P इक्वल टू KT, ठीक है, समझ गए। तो P इक्वल टू KT, अब इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, क्या कर देते हैं, इन तीनों को अभी हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा P हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, इसको जैसे यहां पर रखेंगे तो P इंटू V प्रपोर्शनल टू NT, ठीक है, या फिर रख सकते हैं V डायरेक्ट इन्वर्सली प्रपोर्शनल था यहां पर देखिए, ठीक है, तो PV ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहां पर अलग से लिखेंगे जब तो ये प्रपोर्शनल में देखिए नीचे आ जाएगा NT अपॉन P, समझ गए। या फिर यहां पर क्या लिखें हम, PV इक्वल टू, ठीक है, R ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R को ले लेते हैं, N ले लेते हैं T, R यहां पर हमारा क्या है, सार्वत्रिक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कहलाएगा R, तो यहां पर PV इक्वल टू हमको NRT आदर्श गैस का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है इन तीनों को मिलाने पर, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं डाल्टन्स लॉ पे। डाल्टन्स लॉ हमारा प्रेशर का यानी कि पार्शियल दाब नियम कहलाता है, आंशिक दाब नियम कहलाता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसमें यह कहता है कि किसी गैस के मिश्रण का दाब जो होता है, तो गैसों के मिश्रण के, जैसे हमने एक गैस पहले पहली गैस ले ली, दो गैस, तीन गैस, चार गैस, इनका हमने मिश्रण बनाया, इसका जो दाब था P1 था, इसका P2 था, इसका P3 था, इसका P4 था, ठीक है। अब जब P1, P2, P3, P4 है तो यहां पर हम देखते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, और प्लस P4 अगर करेंगे तो इक्वल टू उनका जो टोटल दाब आएगा यानी कि जो हमारा मिश्रण गैस थी
तो उसका जैसे दाब है पी, तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इनके अलग अलग दाबों के योग के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम एन लेते हैं तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डैश डैश करके, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, ये हमारा है पार्शियल प्रेशर लॉ डाल्टन का। फिर उसके बाद हम चलते हैं ग्राहम का विसरण का नियम। ग्राहम का विसरण का नियम जो है, किसी भी गैस के विसरण की दर जो होगी, विसरण को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, विसरण यानी कि फैलना। आपने जैसे हलवा खाते हैं, ठीक है, हलवा खाने में जब हलवा बनता है खाने से पहले, तो उस समय उसकी जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैलती है, तो वो विसरण के नियम के हिसाब से ही या विसरण के द्वारा ही वो खुशबू फैलती है। ठीक है, तो विसरण का नियम जो ग्राहम का कहता है, किसी गैस के विसरण की जो दर है उसके मोलर द्रव्यमान यानी कि जो पदार्थ का मोल द्रव्यमान होगा उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, समझ गए, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। अंडर रूट एम क्या है, अंडर रूट एम, एम हमारा मोलर द्रव्यमान होगा और अंडर रूट में उसकी हम दर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ग्राहम का नियम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, ये सातों हमारे पूरे हो गए और इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि द्रव्य की या पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जब हम देखेंगे, तो इसमें पदार्थ हमारा तीन भागों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम पहला क्या जानते हैं कि सॉलिड हो गया, फिर उसके बाद लिक्विड हो गया और गैसियस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में, जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, डायरेक्ट भी इंटरचेंज जो होते हैं, तो उनको एक एक हर एक नाम दिया जाता है, विधि को कहा जाता है, उसका एक नाम होता है स्पेसिफिक, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम देखते हैं, पहला क्या है, सॉलिड से हमारा क्या चेंज होगा लिक्विड में। सॉलिड कोई चीज अगर सॉलिड स्टेट में है वो जाकर के लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, तो उसे मल्टिंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, उसे हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है, जलाने पर डायरेक्ट वो किस स्टेट में चली जाती है, लिक्विड स्टेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे बटर को हमने गर्म रोटी पे या किसी भी गर्म तवे पे रखा, तुरंत बटर पिघल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, आइस है, आइस को हमने ऐसे रख दिया खुले में तो धीरे धीरे पिघल गई, वो भी एग्जांपल है किसका, सॉलिड टू लिक्विड। अगला हम देखते हैं लिक्विड टू गैस। ठीक है, इसको हम इवेपोरेशन या वेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, ये हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण क्या कहलाता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे पानी को उबाला आपने, तो पानी को उबालने पर उसकी भाप बनकर के ऊपर जाने लगती है, ये होता है वाष्पीकरण। संबंध या फिर भाप इंजन को देखिए, पहले जब इंजन हमारा बनता था तो भाप इंजन के सिद्धांत पे काम करता था। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये भी हमारा इवेपोरेशन का ही कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा आप देखिए बादल ऊपर देखते हैं, ठीक है, बादल भी समंदर के पानी से जो हीट आती है समंदर के पानी में पड़ती है, तो उस गर्मी की वजह से लिक्विड फॉर्म से वो गैसियस फॉर्म में पानी हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा बात करते हैं, गैसियस स्टेट से हम क्या जाएंगे, हम सॉलिड स्टेट में, इसे कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, रिवर्स सब्लिमेशन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, उत्क्रमण। ठीक है, रिवर्स यानी उत्क्रमण उल्टा, और ये होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है क्या, सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड। इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो आप देखें ठंडे प्रदेशों में जैसे कश्मीर और शिमला वगैरह में जो पौधे देखेंगे, तो पौधों में हल्की सी भाप पड़ी नहीं, सुबह के टाइम पे सीधे वहां पर बर्फ जम जाती है, जो बर्फबारी होती है ना, गैस डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज कन्वर्ट होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा हम देखते हैं, ठोस से वापस गैस में। कोई चीज सॉलिड स्टेट में है वो पहले लिक्विड में चेंज होगी, फिर उसके बाद गैसियस में, जैसे बर्फ है, बर्फ पहले लिक्विड में चेंज होगा,
ठीक है, पानी बनेगा उसके बाद फिर भाप बनेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सॉलिड से डायरेक्ट वो बन जाए क्या, गैस में चेंज हो जाए यानी सीधा ऊर्ध्वपातन हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या कहलाती है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिड स्टेट में जब होती है तो उसे 1 ATM वायुदाब जब दिया जाता है तो उसमें वो डायरेक्ट जो है तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होती है और वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होकर के डायरेक्ट किस फॉर्म में जाती है, गैसियस फॉर्म में चेंज होती है सॉलिड से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा ड्राई आइस। इसके बाद सॉलिड से गैसियस हो गया, गैस से वापस लिक्विड में चेंज होना यानी कि भाप जब पानी बनती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या फिर संघनन। क्या कहा जाता है, उसे संघनन कहा जाता है। ठीक है, तो संघनन को देखेंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल, अभी वर्तमान में यहाँ पर गर्मी जैसे पड़ रही है तो गर्मी में आपने एग्जाम्पल देखा होगा संघनन का। क्या एग्जाम्पल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बॉटल फ्रिज में रखी रहती है, वो ठंडी होने पर उनके चारों तरफ बूंदें जम जाती हैं, वो संघनन ही होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या होता है, गैस डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और एग्जाम्पल क्या हम इसका ले सकते हैं, तो ठंडी के या बारिश के दिनों में, सॉरी ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कि जैसे ओस की बूंदें जम जाती हैं किस पे, हमारी गाड़ियों पे, वो भी लिक्विफाइड होकर के ही वहां पर जमती हैं। ठीक है, तो ये हमारा संघनन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद ठंडी के दिनों में ही आप सुबह सुबह उठ करके देखेंगे कि घास पर हल्की हल्की ऐसे ओस की बूंदें रहती हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल होती हैं, ये भी संघनन का ही एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना यानी कि पानी का बर्फ बनना, ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग या जमना। क्या कहलाता है, जमना। ठीक है, जैसे बर्फ को जमाना, ये क्या किस में आएगा हमारा, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होना। तो इस तरह से ये सारे इंटरचेंज थे। ठीक है, इसके बाद ये हमारे फिजिकल यानी कि भौतिक आधार पर वर्गीकरण जो है तो पूरे हो चुके हैं और अब हम देखेंगे रासायनिक आधार पर यानी कि केमिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन किसका, पदार्थों का। केमिकल बेसिस पर जैसा कि आप जानते हैं कि दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से हमारे आते हैं, तो एलिमेंट आते हैं, कौन से एलिमेंट यानी कि तत्व और यौगिक। एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एलिमेंट यानी कि एक ही प्रकार के, ठीक है, शुद्ध पदार्थ के वह सरलतम अवस्था जिसे कि रासायनिक विधियों से और अधिक सरल भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एक हमारा एलिमेंट ये हो गया, ठीक है, ओ। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, अभी ये पूरा हम नहीं देखेंगे, यहां से लेके यहां तक हम नहीं देख रहे हैं, केवल ये हो गया, तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, ये तीन एलिमेंट यहाँ पर अलग-अलग हैं जो कि ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर किसी भी तरह की आप गैस को नेसेंट फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में देखेंगे यानी कि नवजात, जैसे O2 ऑक्सीजन होती है लेकिन O भाग आप देखेंगे केवल, तो वो कहलाता है एलिमेंट या फिर तत्व, ऑक्सीजन तत्व कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके कंपाउंड की बात करेंगे अगर, तो कंपाउंड में आप देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी हमने लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स को मिलाया हमने, एक रेशियो बना दिया, हाइड्रोजन के दो लेंगे और ऑक्सीजन का एक लेंगे, 2:1। ठीक है, यानी एक से अधिक तत्वों को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या थे, तत्व थे, एक से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में हम मिलाएं, संयोग कराया जाए तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे पानी हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, HCl हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड जो होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें कि कार्बन होता है बेसिकली, वो हर जैसे कि यहाँ पर भी HOH हाइड्रोजन, या अपना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है ना, तो ये ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है,
तो वाटर को कभी भी कोई पूछे तो आप बताएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एनओ एचसीएल, ये सारे इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी जिनमें कार्बन पाया जाए, ठीक है, जैसे कि पेपर हो गया, ठीक है, ये सेल्यूलोज का मिलके बना होता है, इसमें कार्बन पाया जाता है सेल्यूलोज में, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर के बनते हैं। नेल पॉलिश में नाइट्रो सेल्यूलोज का ये बना होता है, ठीक है, और ब्यूटिल एसीटेट मिला हुआ होता है। कैंडल यानी वैक्स में कार्बन होता है, फैब्रिक सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, सोप या साबुन में कार्बन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कमेंट में बताएंगे कि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ठीक। और सोडियम स्टीयरेट या फिर इस तरह के और कुछ नाम होते हैं, तो साबुन का आपको फॉर्मूला बताना है। गैसोलीन मिक्स हाइड्रोकार्बन इसमें पाए जाते हैं, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बता ही दिए जिनमें कि कार्बन ना हो, जैसे पानी हो गया, एनओ हो गया, ये सब, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे बात करेंगे हम तत्व, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जब बांटा जाएगा तो धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, तीन पार्ट्स में बांटा जाएगा। ये क्या होती हैं, इनका विस्तृत डिस्क्रिप्शन जो है हम पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिसिटी में हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल जान लेते हैं कि जिनमें धातुएं जो होती हैं, जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, जो कठोर होती हैं, ठीक है, इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं, तो ये धातुएं होती हैं। 118 तत्व जो अभी तक ज्ञात हैं, ठीक है, जो कि प्रकृति से कुछ मिले हैं, कुछ को बनाया गया है, ठीक, तो इसमें धातुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और धातुओं के कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देखें, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अधातुओं को देखें तो ब्रोमीन है, फॉस्फोरस है और फ्लोरीन अधातु है। उपधातुओं में ब्रोमीन आती है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, इस तरह के और भी कई आते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं धातुओं का, तो पहला हमारे डेली लाइफ में आप जो सिक्के देखते हैं, ये कॉपर के, एल्यूमिनियम के, इन सभी मिश्र मिश्र धातुओं से बने होते हैं, ठीक है, तो धातुओं का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है धातुओं का, बर्तन, ठीक है, बर्तन भी किसके एग्जाम्पल है, धातुओं के, ये भी मेटल से, एल्यूमिनियम आदि से मिलकर के बने होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब, इसमें सिल्वर यूज होता है, कॉपर अपना ये भी वायर बनाने में यूज होता है, इसी तरह और भी कई चीजों में। इसके बाद अधातुओं की बात करें, तो अधातुओं में जैसे हीरा हो गया, हीरे से ज्वेलरी बनाई जाती है, फिर सल्फर हो गया, सल्फर का यूज किया जाता है मैच बॉक्स में, जो कि बारूद छोटा सा हल्का सा लगा हुआ होता है जिससे कि माचिस जलती है, या फिर बारूद या फिर बम बनाने में यूज किया जाता है सल्फर का, ये अधातु का यूज है। इसके बाद सल्फर का यूज पेंट बनाने में भी किया जाता है। अब चलते हैं उपधातुओं में, उपधातुओं में जैसे बिस्मथ, वो आप बोरॉन को जानते हैं, बोरॉन कार्बाइड यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में, ठीक है, और उसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है, बोरॉन का एक और यूज होता है बोरिक एसिड, आपने खुजली वाला पाउडर, जैसे खुजली होती है तो वो बोरिक एसिड डाला जाता है, या फिर कैरम खेलते टाइम आपने ज्यादातर ये वाला पाउडर डाल करके ही खेला होगा, ठीक है, उससे क्या होता है, स्ट्राइकर बहुत अच्छी तरह से चलता है, तो ये भी एक यूज होता है हमारा किसका, बिस्मथ यानी कि उपधातु का। फिर सिलिकॉन जो होते हैं रबर बैंड्स बनाने के, फ्रेंडशिप डे पे या फिर अलग अलग तरह से रबर बैंड्स जो बनाए जाते हैं, ये सब किसके होते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ये भी उपधातु का यूज है। और इसके बाद अपना जर्मेनियम यूज होता है, या सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों का यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, सबसे ज्यादा सेमी कंडक्टर के तौर पर किया जाता है, और सेमी कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, इन सब चीजों में यूज होते हैं। उसके अलावा घड़ी के साजो सामान यानी पुर्जे बनाने में यूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे कि कंप्यूटर का प्रोसेसर, मोबाइल का प्रोसेसर, या फिर बहुत माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनाने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो धातु, धातु, उपधातु में तत्वों को वर्गीकरण कर दिया गया, और जैसे कि कंपाउंड्स का मैंने बताया ही है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो कार्बनिक जिनमें कार्बन पाया जाता है और अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये कार्बन की ही यहाँ पर बात होगी। ऑर्गेनिक में जैसे कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, फैट हो गए, तरह तरह के पोषक तत्व इनमें कार्बन खूब पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन का ही बना होता है। इनऑर्गेनिक जैसे सॉल्ट हो गया, NaCl, वाटर, H2O, ऑक्सीजन, O2, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, अकार्बनिक तत्वों के, जो कि कार्बन से रहित होते हैं। ये हमने तत्व और यौगिक की बात कर ली, किसके अंदर, शुद्ध पदार्थ के। केमिकल वर्गीकरण जो हमने किया था, केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पढ़ा था, ठीक है, शुद्ध यानी कि प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और मिश्रण अपने, मिक्सचर हमने पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस के दोनों पार्ट हमने तत्व और यौगिक की बात कर ली, अब चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर यानी कि मिक्सचर जब दो या दो से अधिक तत्वों को
निश्चित संयोग के बिना यानी कि किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, और उनका संघटन जो बनेगा अपनी मूल पहचान नहीं खोता है तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर आपने बहुत सारी ले ली क्या कील, लोहे की आपने कील ले ली, ठीक है, और लोहे की कील में आपने क्या मिला दिया, यहाँ पर आपने बालू मिला दी, ये क्या बन गया आपका, तैयार हो गया मिक्सचर, तैयार हो गया, समझ गए? ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड में या प्योर में, प्योर सब्सटेंस में क्या फर्क होता है? तो जो अपने शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस होते हैं तो वो अपनी मूल पहचान को खो देते हैं। मूल पहचान जो होती है यानी कि वो बन जाने के बाद जब एक बार उनका निर्माण हो जाता है तो मूल पहचान वो खो देते हैं, लेकिन इनकी क्या रहती है, मूल पहचान जो रहती है वो बनी हुई होती है अंत तक। ठीक है, तो मिक्सचर का हम वर्गीकरण अगर देखें तो मिक्सचर में जब ये हो गई डेफिनेशन, दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी मात्रा में मिला दिया जाए जिसमें संघटक अपनी मूल पहचान नहीं खोते हैं तो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं कि मिक्सचर में क्या होता है, विभिन्न गैसें जैसे हो गई, तरह तरह की गैसें मिल करके और मिक्सचर बनाती हैं अलग अलग रेशियो में। ठीक है, और एग्जाम्पल जो हो गए तो एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में जैसे देखिए, आपने नूडल्स बना लिए, आइसक्रीम बनाया, उसमें कई चीज़ें फ्रूट्स वगैरह और शुगर, आप ऐसा नाप तोल करके नहीं डालते कि इतने मिलीलीटर ही डालना है, वो तो एक अंदाज होता है। ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जेली हो गई, फिर उसके अलावा सॉस हो गए, आइसक्रीम, हर तरह की चीज़ें, खाने पीने की, केक वगैरह, सब कुछ मिक्सचर में ही आता है। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर का वर्गीकरण। मिक्सचर का जो वर्गीकरण होता है यानी मिश्रण का वर्गीकरण, वो दो तरह से किया जाता है। एक होता है समांगी मिश्रण या समांग मिश्रण, जिसे हम विलयन भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसका डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं, जिसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्या है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विषमांग मिश्रण। ठीक है, समांग मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, इसमें जो संघटक होते हैं यानी कि जिससे मिलकर के मिक्सचर बना हुआ है ना, वो समान प्रावस्था में रहेगा, यानी कि जैसे कि आपने पूरा एक मिक्सचर बनाया है तो उसमें कोई भी चीज है तो हर जगह इक्वली बटी हुई होगी, जैसे आपने शक्कर डाला तो पूरे मिक्सचर में आपको बराबर शक्कर मिलेगी। विषमांग मिश्रण ये है कि जैसे यहाँ यहाँ शक्कर आपको खूब सारी मिल गई और यहाँ आपको शक्कर मिली ही नहीं, ये यहाँ पर रेशियो बहुत कम रहा, ये होता है विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो हम विषमांग मिश्रण और समांग मिश्रण को समझ चुके हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि एयर हो गया, एयर में अगर कोई भी गैस मिली होगी तो वो पूरी तरह से मिली होगी, ऐसा नहीं होगा कि इतनी यहाँ पर हवा है तो यहाँ यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन तो बटी हुई होती है। ठीक है, चाहे भले कम मात्रा में हो पर हर जगह कम कम मात्रा में ही होगी। इसके बाद साल्ट वाटर है, आपने पानी लिया, ठीक है, पानी में आपने नमक घोल दिया, थोड़ी देर में नमक पूरी तरह से घुल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने पहला सिप पिया, घोलने के बाद आपने पहला सिप पिया तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा पानी में नमक लगेगा और बाद में कम, या फिर पहले कम बाद में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इक्वल बट जाता है, इसलिए वो समांग मिश्रण में आएगा। इसी तरह ब्रास हो गया और तरह तरह के सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं। हेटरोजीनियस में जैसे कि हमारा सॉइल हो गया, मिट्टी, पानी आपने मिट्टी में या फिर पानी में मिट्टी आपने डाला तो कहीं पर हो सकता है कि तली में आपको ज्यादा मिट्टी दिख जाए और ऊपर आपको कम मिट्टी दिखे। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, इसलिए ये हेटरोजीनियस में आएगा। सैंड एंड वाटर मिक्सचर, पानी में आपने जैसे बालू को डाला तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी बालू तली में आपको मिलेगी, रेत, और यहाँ पर आपको बहुत कम बालू दिख रही है। ठीक है, ऊपर आपको दिख भी नहीं रही है, तो ये क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके अलावा बाकी की चीजें भी ऐसे ही बना सकते हैं और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समांगी और विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी, नोटिस किया होगा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि मिश्रण जो है वो अपनी मूल पहचान नहीं खोते हैं, क्या करते हैं, मूल पहचान जो है वो नहीं खोते हैं। मतलब जैसे हमने हवा है, ठीक है, या फिर कोई सॉल्यूशन है, उससे हम अलग कर सकते हैं जिन चीजों से मिलकर के सॉल्यूशन बना है। आपने पानी में अगर शरबत बनाया, शक्कर को घोला है या नमक को घोला है, तो आप नमक को किसी या किसी विधि से अलग कर सकते हैं। इसी तरह पानी में आपने मिट्टी डाला है तो छान करके या अलग अलग विधियों से आप उसको अलग कर सकते हैं। तो इसकी टोटल अभी हम यहाँ पर 7 विधियों की चर्चा करेंगे जिनसे कि मिश्रण को सेपरेट किया जा सकता है, यानी मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है,
मिश्रण के पृथक्करण की सात विधियों में हम सबसे पहले तीन विधियों को देखते हैं। पहली हमारी है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या फिर क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है हमारी, सेडिमेंटेशन या फिर डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन जो है हमारा अवसादन कहलाता है और डिसेंटेशन निस्तारण कहलाता है ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण ठीक है। ये हो गया क्रिस्टलीकरण ठीक है। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या है, पदार्थ को हमने गर्म किया ठीक है, सॉलिड से सीधे गैसियस में चेंज हो गया, सब्लिमेशन कहलाया। अभी हमने सॉलिड लिक्विड इंटरचेंज में और गैसियस में इंटरचेंज हमने पढ़ा, वहां पर हमने इसे बहुत अच्छी तरह से जाना है ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपाती यानी कि जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या होते हैं, गैसियस में चेंज होते हैं, और जो सॉलिड से जो गैस में चेंज हो गए, और जो सॉलिड से गैस में चेंज नहीं हुए यानी जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गए, इनको अलग अलग कर सकते हैं ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे देखें ड्राई आइस ठीक है, ड्राई आइस किसी के साथ भी मिली हुई होगी तो वहां पर क्या होगा, सॉलिड आप लेंगे ठीक है, ड्राई आइस को और मतलब वो मिक्सचर को लेंगे और उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, अपने को ड्राई आइस डायरेक्ट यानी गैसियस स्टेट में मिल जाएगी और बाकी का जो है वो अपने को अलग मिल जाएगा ठीक है। इसके बाद क्या है, सेडिमेंटेशन, किसी भी द्रव में उसमें अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को इस विधि से पृथक करते हैं। जैसे मिट्टी, पानी आपने लिया ठीक है, और पानी में मिट्टी डली हुई है तो आपने कुछ देर के लिए इसको खाली छोड़ दिया, सेडिमेंटेट कर दिया, तो नीचे तली में जो है तो मिट्टी जो है तो बैठ जाएगी, ये कहला गया सेडिमेंटेशन। अब उस पानी को आपने छान लिया तो वो कहला जाएगा डिसेंटेशन ठीक है। ये देखिए ये पानी यहाँ पर है ठीक है, मिट्टी इसमें बहुत सारी घुली हुई है और ये नीचे तली में जा करके बैठ गई, ये होता है सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन ठीक है। और इसको ये छान लिया, ये डिसेंटेशन हो गया। इसके बाद क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, जिससे कि नमक और ये सब शक्कर बनते हैं और उसमें मिश्रणों को पृथक किया जाता है क्रिस्टलीकरण में, और किसी विलायक में घुला करके उसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं। जैसे विलायक यानी कि कोई मिश्रण आपने लिया ठीक है, अब उसमें या फिर कोई आपने यौगिक भी लिया तो उसमें विलेय विलायक जैसे होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में है ठीक है, उसको उसके ऊर्ध्व यानी कि उसके क्वथनांक तक जिस टेम्परेचर में वो पिघलने लगे या गर्म होने लगे ठीक है, तो उसका अवस्था चेंज हो जाए ठीक, तो उस तक गर्म करते हैं और उसके अलग अलग क्रिस्टल, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं और उसके अलग अलग क्रिस्टल जैसे कि नमक के हो गए, शक्कर के हो गए और हीरे के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, ये सभी क्रिस्टलीकरण की विधि से प्राप्त होते हैं, शुद्ध ठोस के तौर पे प्राप्त होते हैं। इसके बाद चौथी विधि है हमारी इवेपरेशन या फिर वाष्पीकरण ठीक है। वाष्पीकरण हो गया समुद्र से नमक बनाना ठीक है, ठोस पदार्थ को द्रव मिश्रण से पृथक किया जाता है, सॉलिड को लिक्विड से चेंज पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, इसमें जो लिक्विड होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शुद्ध ठोस जो है तो प्राप्त हो जाता है ठीक है। इसके बाद हमारा डिस्टिलाइजेशन है या फिर डिस्टिलेशन है या आसुतिकरण कहलाता है या आसवन कहलाता है, इसमें द्रव को वाष्प में बदल करके और उसे पुनः क्या करते हैं, द्रव अवस्था में यानी ठंडा कर लेते हैं और ये आसवन कहलाता है, और इसके बाद संघनन की भी प्रक्रिया होती है ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो वाष्पशील नहीं हो सकते, जो गैस में चेंज नहीं होते। जैसे आपने मिक्सचर लिया ठीक है, उसको आपने चेंज किया तो अपने लिक्विड से गैसियस में चेंज किया, गैसियस में वो चेंज नहीं हुआ तो जो गैस गैस है वो अपने को अलग मिल गई, फिर वापस आपने लिक्विड में कर दिया ठीक है, गैस को लिक्विड में कर दिया तो वो अलग अपने को मिल जाता है। इसके बाद छठवीं विधि है हमारी क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छी विधि है, इसमें उन पदार्थों को अलग किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक, जैसे इंक है, इंक में से आप अलग अलग तरह के कलर अगर अलग करना चाहें तो क्रोमैटोग्राफी से आप कर सकते हैं। ड्रग्स जैसे कोई ले रहा है तो ब्लड में से ड्रग्स हम कैसे अलग कर सकते हैं, वो क्रोमैटोग्राफी के थ्रू ही अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जब अगला है सातवां जो हमारा आएगा कि ऑस्मोसिस या फिर परासरण ठीक है। अलग अलग सांद्रताओं के विलयन को ठीक है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली में डाला हमने ठीक, और उसको क्या किया हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो जो कम सांद्रता वाला है वो अलग हो जाएगा, यानी कि किसी चीज में अगर कोई टेम्परेचर में जल्दी पिघल जाता है या कोई लेट पिघलता है, उसकी अलग अलग जिनकी सांद्रता या कंसेंट्रेशन होती है,
तो उसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से अभी समझाता हूँ, जैसे इवेपोरेशन में पानी हमने किया, तो पानी हमारा हो गया और समंदर में पानी रहा और उसको हीट मिली, ठीक है, और हीट मिलने के साथ ही वो क्या होने लगा, वाष्पीकृत होने लगा, इवेपोराइजेशन का एग्जाम्पल है। आसुतिकरण या आसवन, डिस्टिलाइजेशन, जैसे कि हमने इम्प्योर पानी को लिया, लिक्विड को लिया, बॉइल किया, ठीक है, गर्म करके हमने इसको यहाँ नीचे ले आया, ठीक है, तो जो ये गर्म से इम्प्योरिटी जो हुई तो यहाँ से अलग होने लगी, ठीक है, अशुद्धि क्या हुई, अलग हो गई यहाँ पर, और ठंडा पानी जो है ऊपर के सहारे निकल गया यहाँ से नली से, और इसके बाद ये हमसे यहाँ पर शुद्ध पानी, डिस्टिल्ड वाटर हमको मिल गया। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का ये देखिए, जैसे इंक से आपने ऑरेंज कलर अलग करना है, रेड कलर अलग करना है, आप इसमें एक प्रैक्टिकल कई बार करते होंगे, या फिर आपने कभी देखा होगा जैसे हल्दी का कलर लग जाता है कपड़ों में, वो नहीं छूटता है, या फिर उसका कलर कुछ अलग ही लाल ही मिल जाता है, येलो कलर पूरा नहीं रहता है, हल्दी पूरी पीली होती है लेकिन हल्का लाल कलर या ऑरेंज कलर देती है, ये सभी एग्जाम्पल किसमें आते हैं, क्रोमेटोग्राफी में, वो अपने कलर को छोड़ती है, मूल तत्व को छोड़ने लगती है। इसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में आपने सर्दी के दिनों में या बारिश में ज्यादा कपड़े या फिर कपड़े ज्यादा धुलते टाइम आप देखिए कि ज्यादातर हमारी मम्मियों के या फिर हम लोगों के हाथ जो होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ऐसे हाथ जो होते हैं तो फूल जाते हैं थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि जो सांद्रता होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, हमारे जो हमारी जो त्वचा होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है और धीरे धीरे उसे पानी पड़ता जाता है और वो अंदर जाता जाता है और इस तरह से वो फूलती जाती है। इसी तरह आप रात में पानी में भिगो करके मुनक्का या फिर किशमिश खाते हैं, सुबह तक आप देखिए वो पूरी तरह से आपको फूली हुई मिलेंगी, ये भी एग्जाम्पल किसका है, ऑस्मोसिस का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने इस लेक्चर में सारे वर्गीकरण को देखा है एक तरह से, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात की है, ठीक है, केमिस्ट्री में हमने बात किया किसका, तीनों पार्ट्स की बात की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को पढ़ा, और इसके बाद मिक्सचर में हमने जैसे देखा कि पदार्थ, ठीक है, सॉरी, एलिमेंट्स में यानी कि ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स में पदार्थ, और दूसरा किसमें, ऊर्जा में विभक्त था, ठीक है। अब पदार्थ को हमने डिवाइड किया भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था में हमने इसको ठोस, द्रव, गैस में बांधा, प्लाज्मा अवस्था की बात की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात की, और उसके अलावा रासायनिक आधार पर हमने शुद्ध पदार्थों की और मिश्रण की बात की। फिर यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस को भी हमने विभक्त किया, ठीक है, ठोस को हमने क्रिस्टलीकृत ठोस और एमोर्फस में विभक्त किया, अक्रिस्टलीकृत में किया। उसके बाद द्रव हमारा आया, गैस के हमने 7 नियम पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसॉक्स लॉ, ठीक है, एवोगेड्रो लॉ, फिर उसके अलावा आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ा, परासरण का नियम पढ़ा, ठीक है, तो इस तरह के हमने 7 नियमों को पढ़ा, उसको देखा, उसकी इक्वेशन को देखा। फिर उसके बाद हमने रासायनिक आधार पर वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ में तत्व को पढ़ा, ठीक है, यानी एलिमेंट्स को, उसको मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल में हमने विभक्त किया। इसके बाद लास्ट हमने जो अगला देखा तो वहां पर यौगिक को देखा, यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक देखा, उसके बारे में डिस्कस किया, जिनमें कार्बन होता है वो कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन नहीं होता वो अकार्बनिक यौगिक में विभक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिश्रण को पढ़ा, मिश्रण यानी कि कार्बन यौगिक जो होते हैं या शुद्ध पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं और संयोग कराए जाते हैं, मिश्रण जो होता है बिना किसी अनुपात के दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला दो तो मिश्रण बन जाएगा, और मिश्रण को हमने समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण, यानी कि मिश्रण हमने जब बनाया तो सारे पदार्थ हर जगह इक्वल इक्वल बट जाए, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने टॉफी को बांटा तो सबको अगर आप एक एक टॉफी पर मेंबर को देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समांगी, और अगर आपने जैसे किसी को 4 दे दिया, किसी को 1 दे दिया, ये विषमांगी में आ जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, पार्शियलिटी जहां होती है वहां पर विषमांगी आता है, ठीक है। उसके बाद हमने मिश्रण को जैसे कि हमने देखा कि वो अपनी पहचान नहीं खो रहे हैं कहीं, यानी कि अपनी अवस्था में, मूल अवस्था में वापस आते हैं, तो उसकी हमने 7 विधियां देखी, ठीक है, आसवन देखा और उसके यानी कि ऑस्मोसिस, परासरण हमने देखा, क्रिस्टलीकरण देखा और क्रोमेटोग्राफी देखी, वेपराइजेशन देखा। इन सभी को देखने के और समझने के बाद यहाँ पर ये हमारा सेगमेंट पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम एक चीज हमने छोड़ी है जो कि क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन भी कहते हैं, और विलयन को हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका हम डिस्कशन अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आपके लिए मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें कि सबसे भारी धातु यानी विच इज द हैवीएस्ट मेटल एलिमेंट, फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द हैवीएस्ट लिक्विड एलिमेंट यानी सबसे भारी द्रव धातु का क्या नाम, द्रव तत्व का क्या नाम है, फिर कमरे के ताप पर 3 द्रव धातुएं कौन कौन सी हैं,
विच आर द थ्री लिक्विड मेटल्स एट रूम टेम्परेचर। फिर एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में होता है जिससे खाना बनता है, तो पेट्रोलियम उसमें गैस जो होती है वो किस अवस्था में रखी हुई होती है, सबसे कम घनत्व की धातु और अधातु का नाम क्या है, यानी कि चौथा क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द पेट्रोलियम गैस केप्ट इन एलपीजी सिलेंडर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ लोएस्ट डेंसिटी। ये सभी आंसर आपको कमेंट में देना है, और या फिर अगर आपको अभी नहीं पता है तो इनको ढूंढ करके रखना है। इसी तरह के अगले पार्ट में हम विलयन को पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पर हमारा ये पहला चैप्टर जो है तो पूरा हो जाएगा, और सेकेंड अपनी क्लास में हम इस तरह के और भी प्रश्नों को एमपीपीएससी और एसएससी और पीएससी के और अलग अलग तरह के विभिन्न क्वेश्चंस को प्री के और मेंस के हिसाब से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।